रणबीर कपूर एक भारतीय अभिनेता है। अपनी प्रत्येक फिल्म के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाने के साथ रणबीर कपूर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक है। आइए जानते हैं रणबीर कपूर कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके रणबीर कपूर बॉलीवुड के रॉक स्टार यू ही नहीं बन गए, इसके लिए उन्होंने 15 साल लग गए। ऋषि कपूर और नीतू कपूर के लाडले होने के चलते फिल्म मिलना तो उनके लिए मुश्किल नहीं था, मगर ऑडियंस का दिल उन्होंने अपनी काबिलियत पर जीता। खुद को साबित करके उन्होंने ये ब्रह्म स्तर हासिल किया है। आज वह इस मुकाम पर हैं कि उन्होंने खुद की करोड़ की संपत्ति बना ली है। उनके पास आलीशान घर और गाड़ियों के अलावा भी कुछ लग्जरी चीजें हैं। साल 2007 में संजय लीला बंसाली की सावरिया से रणबीर कपूर ने अपने करियर की शुरुआत की। पहली ही फिल्म उनकी फ्लॉप रही, मगर फिर बचना ए हसीनों से उन्होंने कमर्शियल हिट देकर अपनी जगह बॉक्स ऑफिस पर बनाई। कहा जाता है कि रणबीर कपूर के करियर की पहली फीस 250 रुपए थी, जो कि आज बदलकर करोड़ों रुपयों में तब्दील हो चुकी है। आज के समय में वह इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टीम मुंबई के को ओनर भी हैं। रणबीर कपूर मुंबई में एक आलीशान घर में रहते हैं। इस अंचल संपत्ति की कुल कीमत 16 करोड़ रुपए है। वह देश में कई अंचल संपत्तियों के भी मालिक हैं। बांद्रा के रिहायशी पाली हिल में रणबीर कपूर का लग्जरी अपार्टमेंट है। इसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए बताई जाती है। रणबीर कपूर को घड़ियों का काफी शौक है, एक नहीं बल्कि कई वॉच उनके पास है, मगर एक घड़ी है जो कि बेहद खास है। रणबीर कपूर के पास कई गाड़ियां हैं, इनमें लैंड रोवर, ओडी और मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां शामिल है। ये करीब 3 करोड़ के आसपास है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्रांड एडवर्टाइजमेंट और फिल्मों से आता है। वह एक ब्रांड एडवर्टाइजमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और एक फिल्म के लिए रणबीर कपूर 18 से 20 करोड़ रुपए चार्ज कर लेते हैं। अब बात करते हैं उनकी कुल संपत्ति की। रणबीर कपूर की कुल संपत्ति $45 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपीज में 345 करोड़ रुपए के आसपास है।